हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met him once. So what do you see? Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मातसिनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, myself, M.K. गांधी, हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को दो उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने दो दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमाने है। से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई?